हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और स्वागत है आपका हमारा चैनल हेमंत टैग ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने आपको एक फास्टनर दिखाया था। जी हाँ बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ हिल्टी के, जैपनीज हिल्टी का फास्टनर, जिसमें मैंने आपको सिर्फ उसके बारे में बताया था, उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया था और कैसा होता। आज मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और दोस्तों दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, स्क्रू ड्राइवर से या पाना स्लाइड रिंच से भी आप इसको खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो। तो सारे बाकी के जो फीचर हैं वो लगाने के बाद पता लगेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी फास्टनर जिसमें हम ठोकते हैं उस वाली वॉल पे। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी वॉल है, आपको पता है ये लास्ट हमने जो फास्टनर इंस्टॉल किया था अभी तक मैंने से निकाली, क्योंकि मैं इसको यूज में लेने वाला हूँ जैसा कि मैं आपको उस टाइम पर बताया था। बाकी ये है, ये है, ये है, ये मैंने सब काट चुका हूँ, ठीक है। अब हम इंस्टॉल करेंगे जिसके लिए हमारे को जरूरत है। ये दोस्तों इसमें 12 mm की बिट लगेगी, तो जो मेरे पास 13 mm की जो ब्लैक एंड डेकर की मशीन है उसकी मेरे को बिट नहीं मिली थी 12 की, इसमें हम 12 की यूज करेंगे जैसा कि मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। जो इसकी गिट्टी है वो आप देख सकते हो, वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये दोस्तों एक्स्ट्रा पावर की 12 mm की ड्रिल बिट है, ये आप देख सकते हो, ये एक्स्ट्रा पावर की है, ठीक है। ये मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, ठीक है। अब शॉर्टकट तरीके से क्या है ये आप देख सकते हो, ये हमने ये साइज है, ये उनके लिए जिनको फास्टनर इंस्टॉल करते में दिक्कत आती है कि होल चला गया, ज्यादा गहरा हो गया, जैसे भी इतना है हम इतना लेके चलते हैं, यहाँ आप टेप भी मार सकते हो। मुझे तो खैर आइडिया, मैं वैसे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो हम चूज करते हैं ये वाली बॉल, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये हो गया। ये आपको मैं पास से होल भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इस टाइप का ये होल आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यही पर इसको दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये गिट्टी है, इसको आपने ले लेनी है, ठीक है। अगर हम 14 mm की ड्रिल बिट लेते हैं तो ये लूज हो जाती है, उसमें फिर ये फास्टनर टिक नहीं पाता, क्योंकि ये हिल्टी का है, ये देखिए एकदम आ के। उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको ठोकना नहीं है, हमें इसको घुमाना है, यानी कि कसना है। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसे। अगर इसमें आपको और ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप इसमें जैसे नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर जो मशीन आती है ड्रिल मशीन, उससे भी कर सकते हो। और एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने स्क्रू ड्राइवर ये पास से दिखाया था मैं आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये इसमें स्क्रू ड्राइवर के लिए पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा साइड से मैं दिखाता हूँ, अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अब ज्यादा हार्ड हो जाए, पता लग रहा है कि स्क्रू ड्राइवर आपका नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे स्लाइड रिंच, ये जो भी आप स्पाइनर पाना जिसे बोलते हैं, चाबी वगैरह, उसे ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सेट कर लूंगा यहाँ पे, फिर इसको ऐसे कसता चले जाऊंगा। तो ये दोस्तों ये हो गया, अब आप इसको थोड़ा पास से देख सकते हो, बिल्कुल एकदम पंच हो गया। अच्छा अब मैं ये बता चुका, ये जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये वाला जो फास्टनर है ये हिल्टी का होता है, हिल्टी जैपनीज हिल्टी कंपनी होती है, ये जैपनीज हिल्टी का ये फास्टनर बहुत अच्छी कंपनी है। और दोस्तों इसके प्रोडक्ट मार्केट में हिल्टी की मशीनें भी आती हैं, जैसे ड्रिल मशीन, एंगल पावर टूल्स भी आते हैं, मेरा कहने का मतलब। अच्छा अब इसमें क्या है कि जैसे हमारा ये वाला फास्टनर है, इसको अगर हम निकालते हैं, या मैंने एक वीडियो और बनाई थी फास्टनर की, जैसे फास्टनर अगर दीवार में फिट नहीं हो रहा तो उसमें क्या कर सकते हैं उसको टाइट करने का, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो दोस्तों जो एक मेरी सबसे मेन वीडियो थी फास्टनर की, जो जिसपे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उस वीडियो पे 4.5 लाख से ऊपर व्यूज आए हैं, उस वाले फास्टनर में क्या होता है, अगर हम उसको निकाल लेंगे तो आपके वो काम करेंगे, वो निकल सकता है। इसमें क्या होगा कि ये आप इसको निकाल भी सकते हो, जो आपको जैसे अब ये मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, ये देखो ये इजीली निकल जाएगा, निकल तो वो भी जाएगा, पर इसको आप यूज में ले सकते हो, उसको जो जिसपे M10 या L12 या फिर M8 लिखा होता है, तो उसको आप यूज में ले सकते हो, और पिन वाले उनको भी यूज में। इसमें सिंपल है, ये निकल गया देखो। अब रह गई गिट्टी, ये बाहर नहीं निकलेगी। गिट्टी नॉर्मली आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में आप ये दिखाना,
उसको ना, अब जरूरी नहीं है कि गिट्टी आपको वाइट ही मिले, इसी शेप की मिले, हो सकता है थोड़ी लॉन्ग मिले, मिलेगी आपको 10 mm की या 10 mm फास्टनर। इसकी गिट्टी आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगी, इसलिए इस फास्टनर को। और ये कितनी, अब ये आपने देखा, ये जो दीवार है इतनी मजबूत नहीं, बहुत सी जगहों में प्रॉब्लम आती है, गीजर गिर जाते हैं या कहीं पर माउंट एसी होता है उसकी जो आउटडोर लगती है वो गिर जाती है, क्यों गिरती है, दीवार दोस्तों हल्की होती है, उसमें हालांकि M10 यूज किया जाता है लेकिन कई जगह ये यूज हो रहे हैं। ये मत देखो गिरती प्लास्टिक के, बिल्ड क्वालिटी देखी जाती है। अभी तक मैं इसे दोबारा भी इसे रन कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक दो बार हम इसको यूज में ले सकते हैं इस चीज में। उसके बाद प्लास्टिक की गिट्टी आप देखो, थोड़ा रिस्क तो होता ही है, अगर दोबार दो तीन बार के बाद अगर आप करोगे तो गिट्टी अंदर से उसकी जो ग्रिप है वो खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी गिट्टी मजबूत है, इसकी नहीं होगी। अगर आपने ये बोल्ट निकाल लिया, यानी कि हमने अपना फास्टनर बाहर निकाल लिया, आप चाहो तो बाहर से आफ्टर मार्केट आप ये खरीद सकते हो गिट्टी, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो 10 mm फास्टनर की हिल्टी की गिट्टी चाहिए, नहीं तो हार्डवेयर शॉप पर ये फास्टनर मिल जाए आपको, ले जाओ और शॉप से खरीद लो। और दूसरी चीज, ये वाला जो फास्टनर, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो जो फास्टनर है वो मिल जाएगा आपको जगुआर गीजर के मॉडल में, स्क्वायर वाला जो मॉडल आता है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, बाकी सारा आपने देख लिया है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों वो सरफेस को छोड़ गए हम, अब आ गए हम अपनी रिपेयरिंग डेस्क पे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये बोल्ट मेरे फास्टनर मेरे सामने, मैं इसे बोल्ट भी कहता हूँ फास्टनर भी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगा कि इसको हम स्क्रू ड्राइवर और स्पाइनर या रिंच की मदद से भी खोल सकते हैं। तो अब प्राइस की मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वाली वीडियो में, प्राइस मैंने बताया था 60 rupees का एक पड़ता है। आफ्टर मार्केट जैसे मोस्टली फेमस हार्डवेयर शॉप होती है, जैसे दिल्ली में कोटला मुबारकपुर है, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। और आपके सामने मैंने कितना टाइम लगा, मुश्किल से हमें 2-4 मिनट ही लगे होंगे, 4 मिनट या 5 मिनट बस इजीली इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों इस फास्टनर की मुझे ये चीज बढ़िया लगी कि ये हमारा, मतलब अभी तक का मैंने देखा जो एल टाइप फास्टनर है, गिट्टी वही थी लेकिन इसकी जो पावर थी, स्ट्रेंथ थी अंदर की, एकदम हिल नहीं रहा था, ये चीज बहुत अच्छी, और एकदम जितना आप चाहो उतना इसे अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।